दोस्तों जेसन राय ने इंग्लैंड की 2वें दर्जे की टीम की ओर से आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने से मना कर दिया। उन्हें हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था। जेसन राय की जगह हैरी ब्रुक को चुना गया था। इससे पहले राय का नाम प्रोविजनल स्क्वाड में था। वे पीठ में सूजन के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैच की वनडे सीरीज नहीं खेल सके थे। बताया जाता है कि राय ने संकेत दिए थे कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा और इसके बाद वे इंग्लैंड की ओर से क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ऑफर की गई डील साइन करने की बात भी कही थी। दोस्तों केकेआर के साथ वे कुछ समय पहले ही जुड़े थे और अभी इस फ्रेंचाइज की मेजर लीग क्रिकेट टीम लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की ओर से भी खेलते हैं। रॉय के आयरलैंड सीरीज से हटने के बारे में इंग्लैंड के सेलेक्टर लुइक राइट ने कहा कि उन्हें इस सीरीज में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। अब वे सीरीज से हटने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन इससे इंग्लिश टीम में उनकी भूमिका पर असर नहीं होगा। वे वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के रिजर्व बैटर रहेंगे। अगर जॉनी बेस्टो या डेविड मलान को चोट लगती है तब उन्हें चुना जा सकता है। राइट ने कहा उनका आयरलैंड सीरीज की स्क्वाड में होना अपेक्षित नहीं था, फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होने की खबर उनके लिए हथौड़े के वार जैसी रही। हमने जेसन को साफ कर दिया है कि आयरलैंड के खिलाफ खेलने या ना खेलने से उनके स्टैंड बाई बल्लेबाज की पोजीशन पर असर नहीं होगा। इंग्लैंड सेलेक्टर साफ कर चुके हैं कि रॉय का अब वनडे टीम में चुना जाना मुश्किल है। समझा जाता है कि उन्होंने इंग्लैंड की ओर से अपना आखिरी वनडे खेल लिया है। माना जा रहा है कि वह पूरी तरह से इंग्लैंड क्रिकेट छोड़ सकते हैं। इसके तहत इंग्लिश क्रिकेट की T20 ब्लास्ट और D100 से भी दूरी बना सकते हैं। वे IPL के अलावा मेजर लीग क्रिकेट, कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं।